गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा 10th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्सटुअल पार्ट के अंतर्गत आपकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका ये मैंने फर्स्ट कवर का जो है वो आपको यहाँ पे पिक दिया है। तो ये फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर हम आगे रीड करेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। अ लेटर टू गॉड, आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है फर्स्ट फ्लाइट के? अ लेटर टू गॉड, अर्थात ईश्वर को पत्र। इसके जो लेखक हैं वो हैं जी एल फॉन्टेस। और इसमें इन्होंने क्या बताया है, इस स्टोरी में इन्होंने क्या बताया है, इसके बारे में हम देखेंगे। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बट वॉट शुड बी पुट आवर फेथ इन? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रिंड, asking for 100 pesos. Does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answer to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. अब यहाँ पर ये बताया है कि जो विश्वास होता है, फेथ होता है किसी भी चीज़ का, उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो पर्वत को भी हिला सकता है। देखिए बच्चों, विश्वास जो है उसी के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। पूरी दुनिया उसी विश्वास, उसी ट्रस्ट और उसी फेथ पर कायम है। अब यहाँ पर हमने बोला, पर ये इस बात पर निश्चित करता है कि हम अपने विश्वास को किस प्रकार से रखते हैं, किस प्रकार से हम उस पर आधारित रहते हैं, ये इस स्टोरी के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है। लेंचो जो कि किसान रहता है, तो वो किसको पत्र लिखता है? ईश्वर को पत्र लिखता है, क्योंकि उसकी जो फसल रहती है वो नष्ट हो जाती है और वो ईश्वर से पैसों की भी डिमांड करता है। अब आप सोच के मुझे बताइए कि क्या लेंचो का जो पत्र है वो ईश्वर तक पहुंच पाया? क्या ईश्वर ने उसको पैसे भेज करके उसकी मदद की? जब तक हम इस स्टोरी को समझें, उसके पहले आप थोड़ा गैस करिए कि क्या होगा इस स्टोरी में आगे। तो चलिए अपन इसको रीड करते हैं। लेकिन बच्चों, हम किसी भी स्टोरी को रीड करने के पहले आपसे अपेक्षा है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करें और उसको साथ साथ पढ़ेंगे तो समझेंगे भी बहुत अच्छे से और आपको आनंद भी आएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में आपको आसानी जाएगी। तो चलिए बच्चों, अपन स्टोरी समझना चालू करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. It was during the meal that just as, अब यहाँ पर क्या होता है कि एक वैली, मतलब दो पहाड़ियों के बीच का जो हिस्सा रहता है वो वैली कहलाता है। और वहाँ पर एक घर था, वो घर जो था सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक छोटी पहाड़ी के क्रेस्ट यानी टॉप ऑफ अ हिल, किसी भी पहाड़ी का जो ऊपरी हिस्सा होता है, टॉप हिस्सा होता है, उसको क्रेस्ट बोला जाता है। तो वहाँ पर वो स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, यहाँ से हम क्या देख सकते थे, इस घर की हाइट से हम नदी देख सकते थे, हम मक्के के खेतों को देख सकते थे। वो मक्के के खेत कैसे थे? पके हुए थे, मतलब उसमें राइप कॉर्न, पके हुए मक्के के जिसमें फ्लावर्स आ गए थे। जब फ्लावर आता है इसका मतलब कि उसमें अब मक्के भी आना चालू हो जाएंगे, और जो कि ये संकेत देते थे कि अब फसल बहुत अच्छी होने वाली है। द ओनली थिंग The earth needed was a downpour or at least a shower. अब यहाँ पर मक्के की फसल को क्या नीड थी, क्या आवश्यकता थी? एक मूसलाधार बारिश की आवश्यकता थी या फिर बारिश की बौछारों, शावर यानी बौछार की जरूरत थी।
और जो लेंचो नाम का जो फार्मर या जो किसान रहता है वो पूरा दिन भर से देख रहा था, क्योंकि वो अपनी खेतों को, फील्ड्स यानी खेत, अपने खेतों से बहुत इंटीमेटली यानी बहुत अधिक परिचित था कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है उसकी फसलों को। तो वो वहाँ देखता रहता, तो वो सोचता है हाँ अब बारिश होना चाहिए। तभी वो अपनी पत्नी से बोलता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमको थोड़ा सा पानी जरूर मिलेगा हमारी फसलों के लिए। उसकी पत्नी जो कि हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर यानी रात का खाना, जैसे हम डिनर बोलते हैं ऐसे वहाँ सपर यानी रात का खाना। तो जब उसकी पत्नी रात का खाना बनाती रहती है तो बोलती है येस गॉड विलिंग, ये तो ईश्वर की इच्छा है। अब लेंचो के जो बड़े बच्चे रहते हैं, बड़े लड़के रहते हैं, वो सब कहाँ काम करते रहते हैं, इन द फील्ड, खेतों में काम करते रहते हैं, वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। और जो छोटे छोटे बच्चे उसके हैं वो कहाँ, उसके घर के पास खेलते रहते हैं। तब तक खेलते हैं, उसके बाद फिर उसकी पत्नी जो उनको बुलाती है कम फॉर डिनर, चलो अब रात्रि भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, आगे देखेंगे बच्चों, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड। और जैसे ही वो लोग अपना आधा भोजन कर ही रहे थे, उसी बीच में जैसा कि लेंचो ने कहा था कि हमें बारिश हो सकती है, हमें पानी मिलेगा, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट से ऐसा दिखाई देता है कि जो बादल हैं बड़े बड़े वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, सब अप्रोच कर रहे हैं बारिश के लिए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और वहाँ से जो हवा आ रही थी, चूँकि जब बारिश के मौसम में हवा आती है वो कितनी फ्रेश रहती है, और स्वीट का अर्थ मीठा नहीं, मतलब बहुत मनमोहक और बहुत अच्छी लगने वाली, मन को भाने वाली ऐसी हवा वहाँ से आ रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी, एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर फाइव्स। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विथ द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल, दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, द बॉयज एक्सपोजिंग देम सेल्फ टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। अब जैसे कि उन्होंने रात अपना भोजन स्टार्ट किया था, खाना प्रारंभ किया, उसी समय जैसा लेंचो ने कहा था कि बारिश होगी, तो सच में बड़ी बड़ी बूंदें जो हैं बारिश की वो गिरना चालू हो गई, और जो नॉर्थ ईस्ट के जो बादल थे वो वहाँ पर अप्रोच करने लगे। एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा कैसी थी, बहुत फ्रेश एंड स्वीट थी। अब जैसा कि लेंचो ने कहा था कि बारिश होगी, तो बड़ी बड़ी बूंदें जो हैं वो गिरना चालू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन्स ऑन हिज बॉडी, एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, they are new coins, the big drops are 10 cent pieces and the little ones are fives। अब लेंचो ने जैसा कहा तो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरना चालू हो गई, और नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े क्लाउड्स जो हैं, बड़े बड़े बादल जो हैं वो भी दिखने लगे, और वहाँ से आती हुई हवा कैसी थी, बहुत फ्रेश, एकदम ताजी हवा, और स्वीट यानी मनमोहक हवा आ रही थी। अब जो लोग थे वो क्या हो गया, वो लेंचो जो था वो बाहर आ गया, क्योंकि वो क्या चाहता था कि गिरती हुई बारिश की बूंदों का वो आनंद लेना चाह रहा था, तो वो बाहर आके बारिश के मजे लेने लगा। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जैसे ही वो घर पहुंचा तो वो एक्सक्लेम्ड बहुत खुशी के मारे उसने बोला, दीज आर रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम स्काई, दे आर न्यू कॉइंस, अरे ये गिरती हुई बारिश की बूंदें सिर्फ बारिश ही नहीं है बल्कि क्या है, दीज आर न्यू कॉइंस, ये नए नए सिक्के हैं। कैसे सिक्के हैं, क्योंकि जब पानी गिरेगा तो फसल पकेगी, फसल को बेच के उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो उसने जो बारिश की बूंदों की जो तुलना की है वो किससे की है, न्यू कॉइन्स, नए सिक्कों के साथ की है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, उसने यूनिट में मेज़र करके बताया कि जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 यूनिट हैं, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो कैसी हैं, 5 सेंट, मतलब 5 यूनिट हैं उसकी।
With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rings. और बहुत ही संतोषजनक उसके चेहरे पे भाव आ चुके थे, तो उसने सोचा कि हाँ, ऐसा लगता है कि मेरे फसल की जो है राइप कॉर्न, कॉर्न यानी मक्के की जो फसल है, और उसके फूलों को रेन ने यानी बारिश ने लपेट लिया है. ड्रेप्ड यानी कवर्ड विथ क्लॉथ, यानी कपड़े से लपेटा हुआ है. बट आगे देखें, सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगन टू फॉल. लेकिन अचानक क्या होता, बहुत ही तेज हवाएं चलने लगती हैं और उसी के साथ में हेलस्टोन यानी जो बर्फ की छोटी छोटी रहती है ना, ओले जिसको बोलते हैं, ओले बर्फ के टुकड़े जो रहते हैं छोटे छोटे, उसको हेलस्टोन या ओले बोला जाता है. तो उस तेज हवा के साथ साथ में ओले भी गिरना चालू हो गए. दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, सच में कैसे लग रहे थे वो, नए नए चांदी के सिक्कों की तरह दिखाई दे रहे थे. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स. जो बच्चे जो जाकर के पानी बारिश की बूंदों का आनंद ले रहे थे, वो जल्दी दौड़ के आए और फ्रोजन पल्स, इन जो बर्फ के ओले जो हैं, इनको उसने लेखक ने क्या किया, फ्रोजन पल्स अर्थात मोतियों के जैसे इनको इकट्ठा करना उन्होंने चालू कर दिया. बच्चे फटाक से दौड़ के आए और हम क्या करते, जब बारिश में ओले गिरते तो उनको पकड़ते, उनको इकट्ठा करने लगते हैं. अब आगे क्या होता है देखें, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये बहुत बुरा हुआ, एक्सक्लेम्ड द मैन. लेंचो ने बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से बोला, अरे ये तो बहुत बुरा हो गया. आई होप इट पासेस क्विकली, मैं चाहता हूँ कि ये जल्दी खत्म हो जाए, ओले गिरना बंद हो जाए. इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ. फॉर एन आवर द हेल रेंड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली. लेकिन एक घंटों तक वो ओले की बारिश जो है वो होती रही और उसने पूरे घर, पूरे बगीचों को, पूरी पहाड़ी के एरिया को, पूरे मक्के के खेतों को और पूरी वैली को क्या कर दिया, नष्ट करके रख दिया. कैसे, द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विथ साल्ट. अब वो खेत कैसे दिखाई देने लगे, सफ़ेद रंग के, और सफ़ेदी रंग कैसा, मतलब नेगेटिविटी वाला, कवर्ड विथ सॉल्ट माने वो नमक से पूरा ढक गया हो, ऐसा सफ़ेद वो जो खेत है वो दिखाई देने लगा. नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, मक्के की जो फसल थी वो टोटल नष्ट हो चुकी थी. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधों के ऊपर से जो फूल आ चुके थे मक्के की फसल में वो भी पूरे गिर गए थे. लेंचो's soul was filled with sadness. अब लेंचो जो था वो बहुत दुखी हो गया. क्यों हो गया दुखी, क्योंकि उसको तो आशा थी कि बहुत अच्छी बारिश होगी और हुई भी बारिश, लेकिन फिर बाद में जो हेल स्टॉर्म था उसने क्या किया, उसकी पूरी फसल को नष्ट कर दिया. When the storm had passed, जैसे ही वो बारिश ओले वाला तूफान खत्म हुआ, he stood in the middle of the field and said to his sons, वो अपने मक्के के खेतों में खड़ा हो गया और अपने बच्चों से बोला, अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट वुड. आगे देखें, यहाँ इस चित्र में हम देख रहे हैं कि लेंचो अपनी जो कॉर्नफील्ड है, जो मक्के के खेत है, उसके बीच में खड़ा हुआ है और अपने बच्चों से बात कर रहा. वो क्या बात करता है कि प्लेग ऑफ लॉकस्ट यानी जो टिड्डी जैसे ग्रास हॉपर टाइप के जो कीट दिखाई देते हैं, उनसे क्या होता है, फसलों को बहुत नुकसान होता है. तो आगे वो अपने बच्चों से बोलता है कि जब वो टिड्डी दल जो आता है, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कुछ तो छोड़ जाता है उसके बाद में फसलों के ऊपर, कुछ तो बचा रहता है. द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन इन ओलों की बारिश ने कुछ भी नहीं छोड़ा. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई भी मक्के की फसल प्राप्त नहीं होगी. दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, ये जो रात थी ये सबके लिए बहुत दुख भरी रात थी. ऑल ओवर वर्क फॉर नथिंग, सब ने बोला अरे हमारा जो इतना सारा काम था वो क्या था, नथिंग यानी कुछ भी ना प्राप्ति के लिए हमने इतना सारा काम किया, हमारा सारा परिश्रम व्यर्थ गया. देयर आर नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके. वी ऑल दिस ईयर
अब हम इस साल पूरे साल कैसे रहेंगे, भूखे रहेंगे क्योंकि फसल ही नहीं होगा, तो क्या खाएंगे, क्या करेंगे। तो ये लेंचो की स्टोरी का पहला पार्ट था। इसमें ये कुछ क्वेश्चंस हैं ओरल कॉम्प्रिहेंशन जो आपको चेक करना है। मैंने आपको ये लेसन पढ़ाया, इसको समझाया है, तो आप कोशिश करिए कि इन चार क्वेश्चंस के आंसर लिखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आंसर बताऊंगी। तब तक बच्चों आप इसको बहुत अच्छे से रीड करें, बहुत अच्छे से समझें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।